हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग टॉप स्टॉक और हमारे 2021 की तैयारी यूजी पीजी दोनों कोर्सेज के लिए हमारे यहाँ अवेलेबल है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पर कॉल करके डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीएचयू पाठशाला के लगभग 14 मेंबर की जो टीम है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर रूप में फ्लो में स्टडी कराती है। और हमारा एक ऐप भी है बीएचयू पाठशाला जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अपने सगे संबंधी भाई रिश्तेदार दोस्त को सजेस्ट करो कि वो लोग बीएचयू पाठशाला से जुड़े और अपनी तैयारी अच्छा कर पाए, क्योंकि नॉमिनल फीस पर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। अब आज का मुद्दा यह है कि बीएचयू प्रशासन जो कि बहुत दिनों से चुप्पी साधी हुई है यूनिवर्सिटी ओपन होने को लेकर, तो फाइनली आज उनका एक डिसीजन आने वाला था, उसमें उन्होंने क्या बयान दिया है इस पर बात करेंगे। तो आज प्रदर्शन स्थल पर आपको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बता दें कि आज कुछ सीनियर छात्र जो थे वो बीएचयू बीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किए थे और उन्होंने इस मांग को रखे थे कि बीएचयू कब ओपन होगा, और इस पे और भी मांगे बहुत सारी थी हॉस्टल वगैरह को लेके। तो इन सभी पे बीएचयू के एक वरिष्ठ अधिकारी जो है बीसी प्रॉक्टर ऑफिस ऑफिस बीसी के सामने बीसी ऑफिस के सामने आकर उन्होंने अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि आने वाले कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी ओपन होने जा रही है। ठीक है, मैं इस पे डिटेल में भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला कुछ मुद्दा बताना चाहूंगा। पिछले समय में ये बातें रही हैं कि उन्होंने बहुत पहले एक मींस बीएचयू ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बहुत पहले एक ट्वीट आई थी कि 23 तारीख को, आई थिंक 23 जनवरी को बीएचयू ओपन होने के चांसेज है, कुछ ऐसा करके था। मींस उसमें डेट को अगर हम लोग इग्नोर करें तो उनका एक उसमें एक स्टेटमेंट था कि आफ्टर एग्जामिनेशन, मींस जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट या जो जो सेकेंड ईयर जो हम लोग थे सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी लगभग रिटेन एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। किसी कोर्स में क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी, जैसे ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन सबका भी अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ कि लगभग एंडिंग प्रोसेस पे आई थिंक आज ही लास्ट रहा होगा या आने वाले दो दिनों में लास्ट हो जाएगा। इस समय ऐसे में बीएचयू प्रशासन के सामने ये बड़ा मुद्दा आ गया था, एक बड़ा समस्या आ गया था कि आगे उनको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ओपन करना है कि नहीं करना है। तो फाइनली बच्चों के मन में भी एक बहुत ज्यादा हलचल आ रहा था, आक्रोश पैदा हो रहा था कि प्रशासन इस पर चुप्पी साधी है, कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन फाइनली आज उन्होंने ये बात बोला कि 17 फरवरी से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ओपन होने जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, 17 तारीख से ये यूनिवर्सिटी ओपन होने जा रही है। ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए किसी भी बात पे चर्चा नहीं हुआ है। और ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बस मैं आज प्रदर्शन स्थल पे उनका जो एक बयान था प्रॉक्टर चीफ प्रॉक्टर का, उनके बेसिस बता रहा हूँ। अभी ऑफिशियल किसी तरीके से इस पे बयान नहीं आए हैं, ऑफिशियल मतलब कि बीसी साहब की तरफ से, भटनागर साहब की तरफ से। आई होप कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्द वो बीएचयू के तमाम विद्यार्थी, चाहे यूजी, चाहे पीजी, चाहे स्कॉलर, चाहे पीएचडी, किसी भी क्षेत्र से आते हो, उन सभी के लिए बहुत अच्छा सा कोई गुड न्यूज हमारे तक दें। अभी तक के लिए गुड न्यूज है और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने जो ये मुद्दा उठा था इसपे बढ़ चढ़ के आप लोगों ने भाग लिया। और अभी जो आया है कंफर्मेशन, वही आया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ओपन होगी, मेस ओपन होंगे और हॉस्टल्स प्रॉपर रूप में ओपन हो जाएगा। और अभी एक बात और इसमें मैं मेंशन कर दूं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी अभी ओपन होने कोई चांसेस नहीं है, मे बी मार्च लास्ट में जाके हो, क्योंकि उनका एग्जाम अभी शुरू होने ही जा रहा है। तो वो लोग ओबीई मेथड से ही एग्जाम देंगे, जहां तक मेरा आइडिया है, अभी तक का ऑफिशियल न्यूज भी उनके लिए इतना ही है, वो लोग ओबीई देने वाले हैं और वो लोग घर बैठे एग्जाम देंगे और उनके एग्जाम के बाद ही यूनिवर्सिटी ओपन होने के चांसेस दिख रहे हैं। और अभी सेकेंड ईयर के जो है वो मिड में खड़े हैं, तो उनके लिए कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन अभी आया नहीं है। आपको मैं बता दूं कि बीएचयू का ट्विटर हैंडल जो है बीसी ऑफिशियल और बीएचयू ए जो कुछ है उसके, वो आप डाउनलोड कर लो ट्विटर और उस पर अकाउंट बना के उनको फॉलो कर लो, जिससे आपको जितने भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच जाए डायरेक्टली, क्योंकि नाउ यू आर बीएचयू स्टूडेंट। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अपने यार, अपने मित्र, अपने छोटे भाई बहन को बीएचयू पाठशाला के कोर्स के लिए सजेस्ट कीजिएगा और मुस्कुराते रहिए और हर हर महादेव जैसे कृष्णा राधे राधे।